हेलो टॉनी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लर्निंग आउटकम्स अधारिंग लर्निंग गैप सामग्री कक्षा चौथी के अंतर्गत पाठ्य सामग्री बाल साहित्य की लर्निंग आउटकम्स H313 पर करेंगे, जिसमें अलग अलग तरह की रचनाओं सामग्री अखबार बाल पत्रिका इतिहास आदि को समझकर पढ़ने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया लेते हैं, प्रश्न पूछने के बाद आदि की प्रक्रिया को हम करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों देखेंगे हम पाठ्य सामग्री बाल साहित्य में नन्ही कलम से बच्चों का अखबार 17 मई 2018 घटना है ग्वालियर की। तो हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश के 4 महासागरों में से एक है। यहाँ बहुत बड़ा किला है, बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। ग्वालियर ज़िले में गंदगी भी रहती है। ग्वालियर ज़िले का एक गांव है मोहना, यहाँ की चोबे की गुजिया बहुत अच्छी लगती हैं। इस ज़िले में विभिन्न प्रकार के खेल भी खिलाए जाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे देवास, मेरे ज़िले का नाम देवास है। हमारे ज़िले में माता जी की टेकरी का प्रसिद्ध मंदिर है, यह हमारे गाँव के पास है। इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ पर सब दूर दूर से आते हैं। हमारे देवास ज़िले में नोट प्रेस भी है। तो हम ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए इस प्रकार से किला ग्वालियर का है। इसके बाद हम देखेंगे वहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय है जहाँ को स्कूल है। हमारा ज़िला हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे वहाँ घूमना अच्छा लगता है। वहाँ पर रेल की पटरियाँ भी है, यहाँ वहाँ पर कई बड़े मॉल है। हमारे ज़िले में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमारा ज़िला बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद देवास के बाद देखेंगे शिवपुरी। तो हमारे शिवपुरी ज़िले में बहुत सारी घूमने की जगह है, वहाँ बारिश में बहुत मज़ा आता है। बारिश में घूमने के लिए वहाँ बहुत सारी जगह है, जैसे छतरी, टूरिस्ट विलेज, होटे भैया, कुंड पार्क और भी काफ़ी सारी जगह है। वहाँ बहुत सारे मंदिर है, काली माई मंदिर, राधा रमन मंदिर और हमारे ज़िले की सभी सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद देखेंगे हम रीवा। तो मेरा ज़िला रीवा है, रीवा शहर सफ़ेद शेर के लिए मशहूर है। रीवा में पूर्व काल नमक जलप्रपात है जो काफ़ी सुंदर है। रीवा जिले अंतर्गत 2 साल में एक वाइट टाइगर सरकारी जू बनाया गया, जहां कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं। स्वच्छ भारत के तहत रीवा के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता देखी गई है। मंदिर भगवा भदवा माता, यह जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। नीमच जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से हजारों यात्री दर्शन करने आते हैं। के पानी की बहुत महिमा है, जिससे लकवा की बीमारी तक ठीक हो जाती है। आज का तापमान देखेंगे, जिला पन्ना का तापमान 45 अंश आज। भोपाल शहर में देखेंगे, भोपाल का तापमान 42 सेंटीग्रेड, सीहोर का तापमान 38 सेंटीग्रेड, गुना का तापमान 35 सेंटीग्रेड। अब बाल रिपोर्टर देखेंगे, दीपा धाकड़ ग्वालियर, साक्षी द्विवेदी रीवा, रवीना बगोनिया देवास, अलविया खान शिवपुरी, रितु पटेल नरसिंहपुर वैशाली बालाघाट, बाल रिपोर्टर। इसके बाद देखेंगे हम इसी के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को, अभ्यास 14 देखें। अभ्यास एक में देखेंगे इन रिपोर्टर को पढ़कर समझकर इनके आधार पर अपने गांव शहर की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो हमारे गांव सेवरो माल है जो चौड़ी विकासखंड में आता है तथा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आता है। यह सड़क के 2 मुख्य मार्ग से जुड़ा गया है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले को हमारे गाँव में अनेक प्राकृतिक स्थल है व अनेक मंदिर स्थित। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसके बाद सफेद शेर के लिए कौन सा ज़िला मशहूर है, तो रीवा ज़िला जो है सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थल का नाम लिखे, मचौगढ़ डैम, कपूरदा का मंदिर, पतालकोट, तामिया आदि, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद शिवपुरी ज़िला क्यों प्रसिद्ध है, तो काली माई मंदिर तथा राधा रमन मंदिर एवं अन्य स्थल है, इसलिए शिवपुरी ज़िला प्रसिद्ध है।
इसके बाद प्रश्न है, आप अपने जिले के विषय में 5 वाक्य लिखे। तो हमारे जिले छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है। इस जिले में अनेकों धार्मिक स्थल, हमारे जिले में महादेव का मेला लगता है, पर्यटक स्थल पतालकोट तामिया इसी जिले में है। इस प्रकार अनेक खूबियों से भरा हमारा जिला है। तो इस प्रकार से हम इन अभ्यास को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।